आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम फिर से आप सब के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है भेड़िया और बकरी के सात बच्चे। एक जंगल के किनारे एक छोटी सी घास फूस की कुटिया में एक हंसा नाम की बकरी रहती थी। उसके साथ बच्चे भी थे। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। अब हंसा जब भी कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए जंगल जाती तो बच्चों को बहुत समझा कर जाती कि बच्चों ध्यान रखना, तुम लोग घर में अकेले हो, कोई भी जंगली जानवर घर में आ सकता है, इसलिए सावधान रहना। इस तरह वह सभी बच्चों को अच्छे से समझा बुझा कर जाती। अब ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक बार हंसा फिर से जंगल जा रही थी तो बच्चों को बोला, मेरे प्यारे बच्चों, सभी इधर आओ और ध्यान से सुनो, जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आया हुआ है और वह चारों तरफ घूमता फिरता रहता है। तुम सब अपना ध्यान रखना, मैं खाना लेने जा रही हूँ और जल्दी ही आ जाऊंगी। वह भेड़िया अगर इस तरफ आया तो तुम सब अपना ध्यान रखना, बहुत ही भारी भरकम आवाज है उस भेड़िये की। अब हंसा सभी बच्चों को समझा बुझाकर जंगल खाना लेने चली गई। जैसे ही हंसा घर से निकली, कुछ देर बाद दूर बैठा भेड़िया यह सब देख रहा था। उस भेड़िये ने देखा कि हंसा घर से जा चुकी है। थोड़ी देर बाद ही वह भेड़िया घर की तरफ आया और बच्चों को बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, तुम सबके लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ। अब उन बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा उस भेड़िये की आवाज को ध्यान से सुनने लगा। जैसे ही उसने आवाज सुनी, वह बच्चा सभी बच्चों को बोला, यह हमारी माँ की आवाज नहीं है, यह तो कोई भारी भरकम आवाज है। तुम सबको याद है ना, माँ ने बताया था कि भेड़िये की आवाज भारी भरकम है, तो शायद ये वही भेड़िया है। अब उस बच्चे ने बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ की आवाज तो बहुत सुरीली है, तुम भेड़िये हो ना, चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी चालाकी अच्छी तरह समझते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। अब भेड़िया वहां से चला गया और सोचने लगा कि मैं अपनी आवाज को सुरीला कर लूंगा, फिर मैं इन बच्चों को आसानी से खा सकता हूं। अब भेड़िया एक पेड़ पर चढ़ा और मधुमक्खी के छत्ते पर जाकर सारा शहद पी गया और उसे लगा, शायद शहद पीने से मेरी आवाज सुरीली हो जाएगी। और भेड़िया फिर से वहां गया और बच्चों को बोला, बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हंसा हूं, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई हूं। और भेड़िये ने गलती से अपना पैर खिड़की की तरफ रख दिया। अब जैसे ही बच्चों ने उसका पैर देखा तो बच्चों ने देखा कि नहीं, हमारी माँ का पैर तो ऐसा नहीं है, वह तो सफ़ेद रंग का पैर है
और यह पैर तो भूरे रंग का है। जरूर ये उसी भेड़िये का पैर होगा। वह सब बच्चे बोले, तुम भेड़िये हो ना, चले जाओ यहां से, तुम हमारी मां नहीं हो सकती। अब भेड़िया फिर से वापस जंगल आ गया। लेकिन भेड़िये ने तो ठान रखा था कि मैं इन बच्चों को खा कर ही रहूंगा। अब भेड़िया एक किराना स्टोर में घुस गया। वहां पर कुछ आटे की बोरियां पड़ी थी। उस भेड़िये ने अपने पैर को आटे की बोरी में डाला और अपने पैर को सफेद कर लिया और फिर धीरे से चुपके से उस बकरी की कुटिया की तरफ रवाना हो गया। और फिर से वही सुरीली आवाज में बच्चों को पुकारने लगा, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं हंसा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई हूं, जल्दी से दरवाजा खोलो। तो बच्चों ने फिर से बोला, अच्छा तुम अगर हमारी माँ हो तो अपना पैर दिखाओ। अब भेड़िये ने अपना पैर आगे कर दिया। जैसे ही बच्चों ने उस सफेद पैर को देखा तो बच्चों को लगा, हाँ हाँ कि यह तो हमारी माँ ही है। अब बच्चों ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही दरवाज़ा खोला वह भेड़िया सभी बच्चों के सामने आकर खड़ा हो गया। अब सभी बच्चे डर गए और इधर उधर दुबकने लगे। अब क्या था, अब तो भेड़िया उन सब बच्चों को खा जाता। लेकिन सभी बच्चों ने एक साथ चालाकी खेली और कोई कहीं और कोई कहीं इधर उधर छुपने लगे, कोई कुर्सी के पीछे, कोई घड़ी के पीछे। सारे बच्चे कहीं इधर उधर जाकर सब छुप गए। भेड़िये को लगा कि शायद सभी बच्चे यहां से निकल चुके हैं, भाग गए हैं। भेड़िया नदी की तरफ गया। जैसे ही भेड़िया नदी की तरफ पहुंचा तो बच्चों ने एक साथ मिलकर भेड़िये को नदी में उसको पीछे से धक्का मार दिया। अचानक भेड़िया संभल नहीं पाया और नदी के अंदर गिरकर मर गया। तभी सारे बच्चे डर के मारे अपनी झोपड़ी में आकर इधर उधर छुप गए। जैसे ही हंसा वापस आई उसने अपनी कुटिया का दरवाजा खुला देखा तो वह घबरा गई। उसे लगा मेरे घर पर भेड़िया आया था और वह मेरे बच्चों को खा गया और वह तेज तेज रोने लगी। अब जैसे ही छुपे हुए बच्चों ने अपनी माँ की आवाज सुनी तो वह सब एक साथ बोल पड़े, माँ तुम आ गई क्या। जैसे ही हंसा ने अपने बच्चों की आवाज सुनी खुश हो गई और बोली, हाँ मेरे बच्चों मैं आ गई, कहाँ हो तुम सब। अब सारे छुपे हुए बच्चे एक एक करके माँ के सामने आ गए और सारे बच्चे अपनी माँ से लिपटकर बहुत खुश हो गए और माँ भी अपने बच्चों के साथ लिपटकर बहुत खुश हो गई। देखा बच्चों, उस चालाक भेड़िये ने किस तरह चालाकी से उन बकरी के बच्चों को खाने की कोशिश की, लेकिन समझदारी से बच्चों ने अपनी जान बचा ली। और जैसे हंसा के उन सभी बच्चों ने अपनी जान बचाई वैसे ही हमें भी समझदारी से ही अपने हर काम को करना चाहिए।